यस हेलो एवरीवन सो बेसिकली यू नो व्हाट इज द फर्स्ट न्यूज आज हम लोग ये एक दो न्यूज डिस्कस करेंगे इलेक्शन का उसके बाद द हिंदू के न्यूज़पेपर में कल जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे ठीक है तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ आप जानते हैं हरहर मोदी की तरह हरहर योगी होने वाला है हो ही गया है तो योगी जी जीत गए हैं बीजेपी जो है वो भारी मतों से आगे है मतलब आगे क्या है जीती गई है ठीक है उत्तराखंड में जो सीएम थे धम्मी जी वो लूज किए हैं लेकिन उत्तराखंड में भी बीजेपी जीती है पंजाब में आप आदमी पार आम आदमी पार्टी जीत गया है और गोवा इलेक्शन में बीजेपी और मणिपुर में भी बीजेपी है ठीक है सो दिस इज द न्यूज उसके बाद आप जानते हैं द हिंदू अब हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने लगे हैं तो शायद आपने ध्यान दिया होगा एक दो विलेज के बारे में हम बोले थे है ना तो पाल और दौधव विलेज ये इसके रिलेटेड हम बार बार बोल रहे हैं कि गुजरात में आज भी क्वेश्चन में है कि ये विलेज कहाँ है गुजरात में तो बेसिकली अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 1922 में जालिया वाला कांड से भी पड़ा मैसेकर हुआ था इस गांव में जो कि गुजरात में है और यहां पर भील के बहुत सारे ट्राइब्स थे और भी बहुत सारे नेता थे जो कि सरकार के रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो है उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे लेकिन उनको उनका मैसेकेयर हुआ और क्योंकि वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे इस बात को बहुत ईजिली दबा दिया गया और ये जालियावाला बाग कांड से भी बड़ा मैसेकेयर था 1922 सौ सात मार्च को जो कि गुजरात अब उसका 100 साल बोल रहा है कि अब इसको 100 साल इस बड़े मैसे को हो गया है फर्स्ट न्यूज सेकेंड न्यूज स्वैप है यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्राइज अब गांव में स्टार्टअप का एक इको सिस्टम बनेगा ताकि यहां पे भी लोग आगे आए और एंटरप्राइज अपना शुरू करे एंटरप्रेन्यर बने ठीक है सो दिस इज द सेकेंड थर्ड आप जानते हैं कि हमारा पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम आठ हज़ार है अब जो नया सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है पड़म गंगा जो कि आईआईटी रुड़की में उसको सेट किया गया है सीडीएसी है ना आ, तो एडवांस कंप्यूटिंग जो है उसने इसको सेट किया है हम लोग इंडिजीनियसली एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा हो थर्ड न्यूज़ ये जो इलेक्शन हो रहा है ना अभी उत्तर प्रदेश और ये सब में पता ही क्या होता है जैसे मैं आई ठीक है मेरे पास आधार कार्ड है आधार कार्ड में फोटो ब्लड है नाम फादर्स नेम रहता है ठीक है मैंने वोट दे दिया उसके बाद सेकेंड पर्सन आया उसके पास भी सेम आधार कार्ड है उसने वोट दे दिया तो ये तो तो ये अभी पकड़ा गया गया तो पता चल गया। लेकिन जनरली इस टाइप की चीजें होती हैं और ये इलेक्शन कमिश्नर का कमीशन का एक बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि वो जो कंडक्टिंग बॉडी है उसको इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड का डेटा नहीं देता है जिस कारण से आधार कार्ड नंबर से वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक समर्थ है समर्थ आप जानते हैं कि एम एस एम ई के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सो दीज आर द न्यूज़ नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट अब ये टेस्ट जो है वो जी के स्टैटिक पोर्शन इज वो हिस्ट्री जोग्राफी वाला नहीं है ये जो आपका मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट है तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट देखते हैं आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि आई हैव पुट सम सरप्राइजिंग क्वेश्चन जैसे कि इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क हैड बीन ओपन हैज बीन ओपन इन विथ सिटी तो ये तो अभी करंट अफेयर्स है पर आपको अभी कुछ फर्स्ट और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आई वॉन्ट टू सी हाउ इज योर परफॉर्मेंस सो गाइज लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी गुड बताओ यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय हिंद सबको क्लास में स्वागत है और न्यूज़ एक्चुअली बहुत सारे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं है ना द हिंदू के बारे में जितने भी जो भी न्यूज़ हैं वो हम लोगों ने कवर कर दिए हैं बहुत जल्दी आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग अप द शो ओनली कि द हिंदू के बारे में जितने भी न्यूज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लें राइट right? तो समर्थ मैंने आज बता दिया आपको उसके बाद नोट्स बनाया था मैंने आपके लिए हिंदू से ठीक है तो समर्थ परम गंगा आप जानते ही हैं परम गंगा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जी पाल दाधव मैसे के याद रखिएगा सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट न्यूज ओके गाइस सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द आंसर इज हैदराबाद तो भारत का पहला हंड्रेड परसेंट वेमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क खुला हैदराबाद तेलंगाना में एफ एल ओ यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ये इसको प्रमोट कर रहा है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ खुला है जिसमें टोटल 25 वेमेन ओन्ड ऑपरेटर्स हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये कब स्टैब्लिश हो गया फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में फिक्की ले जल्दी बताइए यस वेरी वेरी गुड गुड तो तो ये हुआ है 1983 में so, किसी ने आंसर दिया नहीं है पर मैं खुद ही बता रही हूँ कि ये इसको याद रखिएगा आज के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो आपको थोड़ा उलझाएंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन और किस किस तरह से प्रिपेयर करने हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है करेंट अफेयर इज ओके यू हैव डन इट लेकिन अगर एग्जाम इज ऑन अ टफर लेवल तो उसका स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है तो इसीलिए ये क्वेश्चन है 1983 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन लीडर इन द हिस्ट्री टू डायरेक्टली एड्रेस यूके हाउस ऑफ कॉमन तो बताएं कि यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ का लोकसभा है कौन से ऐसे लीडर हैं जो कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो डायरेक्टली उसको एड्रेस किए हैं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीधे संबोधित वाले इतिहास के पहले विदेशी नेता आज अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे चैट रेट कम होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज टुडेज मोटिव इज टू टेल यू मैक्सिमम थिंग्स ओके सो सी ये कौन है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जलेंसकी ये इतिहास में पहले ऐसे फॉरेन लीडर बने हैं जिन्होंने एड्रेस किया है ब्रिटेन के पार्लियामेंट को एक वर्चुअल स्पीच में और ही डायरेक्टली एड्रेस यूके पीएम बोरिस जॉनसन को इन्होंने एड्रेस किया और यूके एमपी इन अ पैक्ड हाउस ऑफ कॉमन इन वोकिंग द वॉर टाइम इन्होंने बोला वी विल फाइट टू एंड चले नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड रशियन ऑयल गैस एंड कोल इंपोर्ट अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मान लीजिए डिमांड जो है मान लीजिए कि सौ बैरल का है और सप्लाई पहले ठीक ठाक हो जा रही थी जिसके कारण हम लोग के पास मान लीजिए सप्लाई भी सौ बैरल हो रही थी जिसके कारण हम लोग का जो प्राइस है ऑयल का ये मेंटेन था लेकिन अब क्या होगा क्योंकि रशिया जो है सेकंड एक्सपोर्टर सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है ऑयल का और हम लोग बहुत बड़ा परसेंटेज ऑयल का मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे मान लीजिए अब सिर्फ 80 का सप्लाई है लेकिन डिमांड तो अभी भी 100 का है ना? अब मान ले यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं ठीक है एक इंजीनियरिंग के हैं एक डिफेंस के हैं दो स्टूडेंट हैं अब ये हम बोले कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही टॉफ़ी है तो ये बोलेगा कि मैम मैं आपको दस रुपए दूंगा मुझे टॉफी दीजिए तो ये बोलेगा मैं बारह रुपए दूंगा मुझे टॉफी दीजिए ये बोलेगा मैं पंद्रह रुपए दूंगा ये बोलेगा मैं बीस रुपए दूंगा अब क्या हो रहा है ये टॉफी जो कि चवन्नी वाली है इसका बीस रुपए तक वैल्यू जा रहा है तो ये है आपका डिमांड और सप्लाई जब इम्बैलेंस रहेगा है ना जैसे कि पहले सेम था अब सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो ये जो इम्बैलेंस रहेगा इसके कारण प्राइस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आएगा और इलेक्शन हो चुका है बहुत जल्दी आपका पेट्रोल खरीद लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन 8 मार्च को अनाउंस किए कि भाई साहब हम लोग को रशिया से ना ऑयल चाहिए ना कोल गैस चाहिए ना फिर नेचुरल गैस चाहिए कुछ नहीं चाहिए रखो अपने पास ये कहा गया है यहाँ पे जबकि द यू एस ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया मेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अमेरिकाज एनर्जी रिसोर्स स्टैंडिंग एट रफली एट परसेंट इन दो हजार इक्कीस आउट ऑफ विच क्रूड ऑयल इम्पोर्ट इज अमाउंट टू थ्री परसेंट लेकिन बाकी जगह तो जाता है ना बाकी जगह तो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो जाता है नेक्स्ट परम सुपर कंप्यूटर ठीक है तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमारे देश में कौन सा था वो था आठ हजार पड़म आठ हजार अब ये पड़म गंगा सुपर कंप्यूटर जो है इसको कौन से आई में डाला गया है क्या ये मद्रास है बॉम्बे है दिल्ली है या रुड़की है तो दिस आई आई टी रुड़की उत्तराखंड में इसको डाला गया है पड़म गंगा इंस्टॉल्ड इन आई आई टी रुड़की सात मार्च 2022 और इसका कैपेसिटी है 1.66 पॉइंट पेटा फ्लॉप. इसका मतलब है कि एक ही टाइम में एक ही टाइम में ये हज़ार से ऊपर एक हज़ार पंद्रह पेटाफ्लॉप को कन्वर्ट करके एक हज़ार पंद्रह प्रोग्राम्स को एक साथ चला सकता है सुपर कंप्यूटर और फिर एक आता है क्वांटम कंप्यूटर तो अब मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करना है और उसको दो साल लग गया वो क्वांटम कंप्यूटर आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस वो क्वांट, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर लेगा सो so, क्वांटम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अब दुनिया जो है उधर चली गई है पर वी आर क्रिएटिंग अ इन्वायरमेंट कि हमारा सुपर कंप्यूटर अच्छा चले चले विच कंट्री हेज सस्पेंडेड द सेल ऑफ फॉरन करेंसी अनटिल सेप्टेंबर नाइन दो हजार बाईस तो इस कंट्री में फॉरन करेंसी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है इस कारण से ये कह रहा है कि हम कम कर देंगे मैम यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगाया है लेकिन इंडिया तो रशिया के साथ तो अभी पूरे वर्ल्ड में देखो ना धीरे धीरे क्या होता है जियो पॉलिटिक्स इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस चीज सेकेंड सेकेंड चेंज हो जाता है तो देखे रशिया द सेल ऑफ फॉरिन करेंसी अंटिल सेप्टेम्बर नाइन दो हजार बाईस तो ये कहा जा रहा है रशिया का सेंट्रल बैंक कह रहा है कि बैंक जो है वो किसी भी तरह से फॉरन करेंसी सिटीजन को नहीं देगा नौ मार्च से लेकर नौ सेप्टेम्बर के बीच में तो अगर इनको चेंज करना है लोकल रूबल मतलब अपना जो समान जो भी करेंसी है उसको लोकल रूबल में चेंज करना है तो उसके लिए मतलब विंडो बनाया जाएगा लेकिन अभी यही बात है रशिया का नेक्स्ट कौन सा ऐसा टेनिस प्लेयर है विच टेनिस प्लेयर हैज प्लेड हिज प्राइज मनी फ्रॉम द टूर्नामेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ऑफ यूनिसेफ्स यूक्रेन अपील मतलब आप समझ रहे हैज प्लेड कि इस टेनिस खिलाड़ी ने यूनिसेफ की यूक्रेन अपील के लिए शेष के लिए टूर्नामेंट के से अपनी पुरस्कार राशि गिरवी रखी हुई है ये बताएंगे आप जल्दी से तो ये देखिए ये है एंडी मडे। एंडी मडे, मडे फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन एंडी मडे ने बोला है कि ये डोनेट करेंगे अपने प्राइज मनी को जो भी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर तो यूनिसेफ ने ये अपील किया था और इन्होंने ये बात को माना है समझ में आ रहा है चले यानी कि ये यूक्रेन से पैसा नहीं लेंगे ठीक है अब देखिए आपका एक टेस्ट शुरू होता है अब ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर नहीं आएगा तो भी क्वेश्चन को समझना और आंसर ध्यान रखना तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा कंट्री है मतलब सॉरी कंट्री तो हो गया कौन सा ऐसा चक्र है जो कि इनमें से अलग है शौर्य अशोक वीर या कीर्ति कीर्ति चक्र कौन सा चक्र जो है इनमें से अलग है ऑड वन कौन है ये बताइए रीजनिंग बोल लो इसको या जीके बोल लो क्वेश्चन यही है और क्यों अलग है क्यों अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कीर्ति चक्र अलग है एक स्टूडेंट कह रहा है वीर चक्र अलग है सोचो थोड़ा सोचो ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हो डिफेंस एस्पिरेंट्स है ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे जो डिफेंस में का तैयारी कर रहे हैं तो आप बताएं जल्दी से कि कौन सा चक्र अलग है तुम तो लोग कीर्ति चक्र कह रहे हो क्यों क्योंकि क्यों, मेरा नाम है होता है चक्र ये भी ठीक है मेरा नाम बाद में रखा गया पहले ये चक्र आया यस गाइज वॉट इज आंसर देखो इट इज वीर चक्र वीर चक्र इन इंडिया गैलेंट्री अवॉर्ड प्रेजेंटेड फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन बैटल ठीक तो ये बैटल में अगर कोई सिपाही या कोई भी ऑफिसर अपना कुछ ब्रेवरी दिखाते हैं तो उनको मिलता है बाकी अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य एडिशन फॉर सेपरेट मतलब बैटलफील्ड तो है ही पर और साथ ही साथ सेपरेट एक्ट ऑफ गैलेंट्री आर अवार्ड और इनको बहुत सारे करेजियस एक्शन या सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम बैटलफील्ड के लिए भी मिलता है समझ में आया वीर चक्र अलग है हाँ क्योंकि ये बैटल फील्ड में मिलता है और बाकी चक्र बैटल फील्ड के साथ साथ अवे फ्रॉम बैटल फील्ड में भी मिलता है सो दिस वॉज द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है तो क्या ये देखिए एग्जैक्टली exactly ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन वो जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है ना पांच छह क्वेश्चन आते हैं वहां से तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है चले जल्दी से बताइए वेरी गुड होगी सीआईएसएफ की क्लास आज से शुरू हो गई है मेरा पेड़ बैच में क्लास है पे बजे का पहला क्लास है ये तीन बजे उसके उसमें आने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है तो ये कौन है ये कौन से व्यक्ति हैं फर्स्ट इंडियन गाइज ये तो इजी क्वेश्चन है यार रबींद्रनाथ टैगोर जो है फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे यानी कि इंडियन तो ठीक है लेकिन फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे और इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला उन्नीस में और दो रॉन ये जो रॉन रोनल रॉस हैं, ठीक है इनको मेडिसिन में मिला और रूडियाड uh, किपलिंग को लिटरेचर 1907 में मिला ये दोनों फॉरेन सिटीजन से थे लेकिन इनका जन्म जो है वो भारत में हुआ था चले नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया है द फर्स्ट फॉरेन टू फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड तो कौन से ऐसे पहले फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला क्या ये दलाई लामा है क्या ये नेल्सन मंडेला है खान अब्दुल अब्दुलगफ़ार खान है जिनको आप लोग खुदाई खिदमत और रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था फ्रंटीरियर गांधी भी कहा जाता है फिर आप बताएंगे कि क्या ये इनिबेसेंट हैं कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कि फर्स्ट फॉरेनर है भारत रत्न जीतने वाले ये हैं खान अब्दुल गफार। खान जी तो बेसिकली ये इंडियन सिटीजन को मिलता है लेकिन एक नेचुरलाइज सिटीजन जैसे कि मदर टेरेसा को उन्नीस सौ अस्सी में मिला एंड टू नॉन इंडियन जैसे पाकिस्तानी नेशनल ये फ्रंटीरियर गांधी है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आते थे है ना पश्तून लैंग्वेज में बोलते थे लिखते थे और ये 1987 में इनको मिला और फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नैसन मंडेला को 1990 में मिला तो ये खान अब्दुल खान है ठीक है और क्यों नहीं मदर टेरेसा को क्यों नहीं हम बोल रहे हैं फॉरेनर uh, क्योंकि वो उनको वन सिटीजन है वो समझ में आ रहा है डिफरेंस नेचुरलाइज सिटीजन जो है जैसे कि यह uh, क्या नाम है जो गाना गाते हैं वो वाला अरे कौन है सिंगर जो पाकिस्तानी है वो भी अब नेचुरलाइज सिंगर हो गए जो बहुत मोटे से थे मुझको भी तो लिफ्ट करा दो ये वाला गाना जो जिन्होंने गाया है चले अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन क्या है? आपको करना है यहाँ पे आपको दिख रहा है सरस्वती सम्मान है ना सरस्वती सम्मान कबीर एवॉर्ड अर्जुन एवॉर्ड हाँ अदनान सामी गुड ठीक है आ, अर्जुन एवॉर्ड सोशल सॉलिडेटरी और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइंस स्पोर्ट यू यूरोपा और और भटनागर अवॉर्ड अब आपको मैच करना है मैच द फॉलोइंग कौन सा किस फील्ड में मिलता है जल्दी से सोचे जल्दी से बताएं यस दीज क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल डेज क्योंकि करेंट अफेयर्स तो ठीक है हम लोग एक वो बनाएंगे सेट जिसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएंगे और ये करंट अफेयर से रिलेटेड जीके हैं ओके सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी आंसर इज बी तो बिल्कुल देखिए सरस्वती सम्मान जो है वो लिटरेचर में मिलता है इंडियन लैंग्वेज में अगर किसी ने साहित्य लिखा है कबीर सम्मान जो है वो कम्युनल हारमोनी के लिए मिलता है नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस के लिए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अभी आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा 57 तक आ गए लेकिन फर्स्ट हिंदी राइटर कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये रामधारी सिंह दिनकर हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं महादेवी वर्मा हैं या वत्सयानन हैं ये सब का नाम इनका आपको नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट एक बुक कभी तो सुने होंगे आप जिस भी स्कूल से पढ़े होंगे आई सी या स्टेट बोर्ड एक ना एक तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ाई होगा ओके सो द फर्स्ट अवार्ड ऑफ ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको मिला था ये अवार्ड, फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव दिस अवार्ड और इनको मेजर पोएट कंसिडर किया जाता है हिंदी में अब देखिए हिंदी में भी बहुत सारा जैसे छायावादी ये स्कूल ऑफ राइटिंग है बहुत सारा स्कूल्स होता है जैसे अगर आप कत्थक के बारे में पढ़ेंगे तो वाराणसी स्कूल अलग है जयपुर स्कूल अलग है लखनऊ स्कूल अलग है तो उसी तरह से स्कूल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें छायावादी है नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अवार्ड आपको एग्रीकल्चर के लिए मिलता है विच अवार्ड इज गिवेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्या ये कलिंग अवार्ड है बॉर्डलॉग है ना बॉर्डलॉग अवार्ड है या धनवंतरी अवार्ड है या भटनागर अवार्ड है तो भटनागर अवार्ड यू हैव अवार्डेड जस्ट नाउ दैट इट इज इन द फील्ड ऑफ़ साइंस ओके धनवंतरी अवार्ड इज बेसिकली इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेद एंड दीज थिंग्स ओके एंड देन नॉर्मन बॉर्डलॉग वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द एच हाई ईल्ड वेराइटी सीड और उनको ये अवॉर्ड मिला क्यों क्योंकि उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन वो लेकर आए और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन लेकर आए जिसके कारण सीट जो है वो हाई एल्डिंग हो गई और उसके बाद हम लोग सेल्फ सफिशियंट हो गए तो नॉर्मन नॉर्मन बॉर्डलॉग एवॉर्ड मिलता है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में दस लाख रुपए का प्राइस में मिलता है आप लोग भी ले लीजिएगा चले नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड सरस्वती सम्मान ठीक है वशपति सम्मान शंकर सम्मान ये सब मिलता है ठीक है सब आपको लिखने के लिए मिलता है क्या लिखने के लिए मिलता है लिटरेचर लिटरेचर और यहाँ पे ईयर है दोनों अलग अलग है संस्कृत या फिर इंडियन फिलासफी किस एवॉर्ड को किस फील्ड के लिए दिया जाता है अब आप बोलेंगे मैम ज्ञान पीठ एंड सरस्वती इज फॉर लिटरेचर बट आई हैव गिवन यू द ईयर्स दैट इन विच ईयर दिस एवॉर्ड वॉज स्टार्टेड सो यू हैव टू लेट यू हैव टू टेल मी द आंसर यस Why are you skipping such questions? It is easy. See, अगर ज्ञान पीढ़ी वार्ड है तो या तो ये वन है या तो ये टू है तो ए में देखो यह वन या टू कौन सा है तो सारा ही है ठीक है और अगर सरस्वती सम्मान है तो भी ये या तो ये वन है या तो ये टू है तो आपको लग नहीं रहा है कि ये तो बस एक ही जगह है तो अगर आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत ही नहीं है ना इतनी ये मैथ ऑफ फॉलोइंग में यही है इतना तो जानने का जरूरत ही नहीं है देखिये बहुत ईजीली आप निकाल सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है सरस्वती सम्मान लिटरेचर में दिया जाता है यानी सरस्वती सम्मान या तो वन होगा या तो टू होगा यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सरस्वती सम्मान में टू है बन गया आंसर सबको सही सही लिखा हुआ है समझ में आया क्या से बनाना है समझ में आया ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर 1961 सरस्वती सम्मान लिटरेचर 1991 उसके बाद आपका ये जो वपति सम्मान है ये संस्कृत और इंडियन फिलोसफी शंकर सम्मान सो so, जब क्वेश्चन टफ लगे थोड़ा दिमाग अप्लाई करो थोड़ा दिमाग अप्लाई करो ठीक है चले नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन था जस्ट यू हैव टू सी द ट्रिक मैथ द फॉलोइंग देखो एक बात बताते हैं मैथ द फॉलोइंग इज ईजी क्योंकि एक भी पता होगा काम बन जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी ओनली वन नॉट वन थ्री वो इजी है एक क्वेश्चन टफ होता है एक तो ये वाला टफ क्योंकि इसमें आपका रेशियो सीधे वन बाई फोर का है और एक जो होता है एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट बोथ नन क्योंकि अगर आपको दोनों स्टेटमेंट नहीं पता है तो फिर यू विल गेट कन्फ्यूज एक भी नहीं पता है तो यू विल गेट कन्फ्यूज दिस इज टफ एंड दिस इज टफ बाकी इज ईजी उसको ध्यान से सोचो पोलिटर प्राइज क्यों दिया जाता है पोलिटर प्राइज जो है लिटरेचर और जर्नलिज्म में दिया जाता है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन रैम्स ये जो रैमन मैग मैगसेसे अवार्ड है तो कौन से भारतीय थे विनर फ्रॉम इंडिया क्या ये बताएं फर्स्ट भारतीय कौन थे जिन्होंने ये मैगसे अवार्ड जीता है क्या ये वर्गीस कुरियन थे जिनके कारण व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण जी ठीक है तो या फिर ये सीडी देशमुख थे या आचार्य विनोबा भावे तो आचार्य विनोबा भावे जो है इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था और भूमिदान भी बोला था इन्होंने ठीक है तो भूमिदान बेसिकली जो बड़े बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे इन्होंने बोला कि आप भूमिदान करें ताकि देश में जो है वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर सके तो ये रमन मैगस अवार्ड जो है ये मिला था और ये एशियन नोबल प्राइज है ये मिला था आपको सबसे पहले भारतीय जो है उनका नाम है विनोबा भावे ध्यान चंद्र पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है इजी क्वेश्चन एवरी वन विल गिव मी द आंसर एंड एवरी वन सेशन गाइज वॉट आर यू डूइंग एक तो आई एम गिविंग यू द फीलिंग ऑफ बोथ सामने से आई एम लुकिंग एज अ फीमेल टीचर एंड फ्रॉम बॉयज आई एम लुकिंग एज अ मेल टीचर सो बेसिकली टू पीपल आर टीचिंग यू तो आप लोग सेशन को लाइक करें यस यस माई जोक्स आर वेरी लेम सॉरी फॉर इट चलें तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा तो ये है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ध्यानचंद अवार्ड दिया जा जाता है आप जानते ही हैं ठीक है मेजर ध्यानचंद अवार्ड अब तो ये भी हो गया ये मतलब कि जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है काली सम्मान कालीदास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है आर्ट्स मेडिसिन गेम या पीस कालिदास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर हाँ जी तो ये दिया जाता है आर्ट्स के फील्ड में सो दिस वाज द नेक्स्ट सेट दो सेट हो गया सात क्वेश्चन का और ग्यारह क्वेश्चन का अब आ, आगे अच्छा अभी एक और क्वेश्चन है सॉरी ये मैं भूल गई कि मैंने एक और डाल दिया था तो ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है क्या सोचना है कि सबको पता है कि प्रोफेसर अमृत सेन जो हैं उनको नोबल प्राइज मिला है उनको नोबल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है लेकिन इकोनॉमिक्स के किस पोर्शन में मिला है इंडियन इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स फूड एंड फेमिन या पॉवर्टी किस फील्ड में अमृत सेन को नोबल प्राइज़ मिला है ये बताएंगे किस फील्ड मतलब कौन सा इकोनॉमिक्स ये इंडियन इकोनॉमिक्स है या वेलफेयर इकोनॉमिक्स है कौन सा है आप लोग सारे कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स हैं सो गाइज दिस इज रॉन्ग आंसर इनको मिला है लेकिन इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला है क्योंकि इन्होंने सोशल चॉइस थियोरी के लिए काम किया था प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटीज पुअरेस्ट मेंबर के लिए काम किया था सो so ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है पूरे वर्ल्ड का इशू है तो इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला इज नॉट द ओनली थिंग वेलफेयर इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला इज द थिंग नाइनटीन में चलें तो अब थोड़ा सा हम लोग पांच न्यूज पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है तो नो स्मोकिंग डे आप जानते हैं हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है हर मार्च का जो सेकेंड वेंसडे होता है इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे बोलने का कोई मतलब नहीं है जिसको करना है वो तो करता ही है वो मुकेश जिसके बॉडी में बहुत सारा ताड़ है है ना वो बनने का सबको शौक है चले तो यहाँ पे नो स्मोकिंग डे जो है ये ऑब्जर्व हुआ 1984 ठीक है रिपब्लिक आयरलैंड में इसको सबसे पहले मनाया गया और लोगों के बीच ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हुआ चले नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे शायद ही कोई इंडियन होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा इंडियन क्या बाहर के लोग भी जानते हैं तो बताएंगे इसका क्या आंसर है कि आंसर क्या है पहले तो पहले नाम बताइए ना क्या है इनका नाम ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स सो तो बेसिकली बात यह है कि ल्यूपिन नेम्ड मेरी कॉम एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फॉर हिज शक्ति इनिशियटिव हिज शक्ति क्या है तो देखिये ये जो ग्लोबल फार्मा मेजर ल्यूपिन मेडिकल म, ल्यूपिन लिमिटेड है ल्यूपिन इसका नाम है इन्होंने मेरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और ये फार्मास्यूटिकल दवाई की कंपनी है नेक्स्ट आप देखें ये है न बिल्कुल तो ये देख लीजिए ये क्या करे है लग रहा है भाला से वो जो जिम्नास्ट करते हैं वो कर, का काम का कर रहे हैं सॉरी लॉन्ग जंप है ना तो यहां पे बेसिकली बात यह है कि ओलंपिक चैंपियन 8.19 मीटर इन बेलगार्ड स्वीड ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन इनका नाम है इनको मोंडो भी कहा जाता है और इन्होंने एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है 6.19 मीटर स्क्वैश ज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई वन सेंटीमीटर तो पहले इन्हीं का रिकॉर्ड था 6.18. पॉइंट अब ये 6.19 कर चुके हैं तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति हैं ये चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूर्ति बन रहा है बुद्ध की मूर्ति है हाँ अच्छा मोदी जी से ज्यादा दूर, दूर नहीं फेंक सकते हैं ना सही बात तो इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बींग बिल्ड एट बोध गया तो बोध गया में अब भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू बनने वाला है जो कि 100 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाइट का ये स्टैचू बनेगा क्लियर है एवरीथिंग इज फाइन तो ये गया में है और गया आप जानते हैं कि वहीं पे लॉर्ड बुद्ध को एनलाइटेनमेंट हुआ था अब यहाँ पे एक चेस से रिलेटेड न्यूज है ग्रैंड मास्टर है ना? बिल्कुल तो देखिए बेसिकली इंडियाज एस एल नारायण विन ग्रैंडी साची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन टेस्ट चेस टूर्नामेंट लगता है पूरे दुनिया का चेस जो है वो भारतीय ही खेल रहे हैं तो इन चेस इंडियन ग्रैंड मास्टर एस एल नारायणन ने डिक्लेयर किया को डिक्लेयर किया गया है ग्रैंड साची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जो कि इटली में हुआ था यहाँ पे ये गए और इन्होंने ये टेस्ट जीत लिया है और ये जो आर प्रज्ञानंदन है ये केम सेकंड तो हम लोग रोज ही ये सोच रहे हैं कि भारत में सबसे तेज बच्चा चेस में कौन है और रोज हम लोगों को नया नया मिल रहा है अगर आप लोग भी हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में यह एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है ठीक है चले तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ तो है ही अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं ये क्वेश्चन है कि कल हम लोगों ने एक झड़ोका के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हैंडी तो ये बताएं आपकी ये जो इंडियन हैंडी ये कॉम्पेंडियम जो है है ना ये संग्रह ये कहाँ पे हुआ है ये भोपाल है थाने है शिलोंग है या नैनीताल है गाइस थोड़ा सा बूस्टअप करो यार तुम लोग के लिए यही है मतलब है ना इजी क्वेश्चन मीन्स यू विल अटेंड द क्लास गिव द आंसर इफ यू हैव टू लर्न तो एकदम दिमाग में वो शील्ड बना के रखे हो कि नहीं भाई नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है जितना जानकारी है उतना लेंगे और जाएंगे और हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो उसका लॉस है ना सही तो अब आप बताएंगे अब आप बताएंगे देखिए भोपाल भोपाल इसका आंसर है अंडर दिस प्रोग्राम द प्राइमरी इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन भोपाल आठ मार्च को यह हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बी बी आई एन है बीबीआईन है ना ये बताएंगे आप लोग कि ये क्या है पहले न्यूज की एग्रीमेंट साइन हुआ है अब ये एग्रीमेंट क्या है कब साइन हुआ है कुछ आइडिया है तो बताएं जल्दी से देखो कभी कभी क्या होता है कि होता है यार टीचर कुछ ऐसा पढ़ाएगा कि तुमको नहीं पता रहेगा तभी तो टीचर पढ़ा रहे हैं है ना तो उसको सुनो समझो याद करो क्या कर लो ठीक है तो ये बीबीआईएन बेसिकली क्या है बीबीआईएन का मतलब है ये देखिए थिंपू में हुआ है ये साइन अभी न्यूज में है कल के द हिंदू में भी है इसीलिए बताया जा रहा है बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एम साइन किया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है थिंपू भूटान में और ये पहले साइन किया गया था जून 2015 में तो इसीलिए आपको बताया गया है नेक्स्ट दुनिया का नहीं इंडिया का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्ध का ये कहाँ पे है ये कहाँ पे ये तो आप जानते हैं बोध गया में तो ये कितना फीट का है रिक्लाइनिंग स्टैचू जो है वो कितने फीट का है लंबाई नहीं पूछा जा रहा है ऊंचाई पूछा जा रहा है ओके गाई वेरी गुड अभी अभी पढ़े हो यार तो ये तीस फीट का है ठीक है तीस फीट का यह बनाया जा रहा है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इज बिल्डिंग हिज दिस स्टैचू एंड विल बी थर्टी फीट हाई एंड हंड्रेड फीट लॉन्ग आप लोग भी जाइएगा देखने के लिए है ना मैं भी सोच रही हूँ कि देख ही यस सो yes. so, अब आप बताएंगे कि वेयर वॉज दलित बंधु स्कीम फर्स्ट लॉन्च देखें ये भी न्यूज है अभी करंट अफेयर्स में तो ये आप बताएंगे कि दलित बंधु स्कीम सबसे पहले कब कहाँ लॉन्च किया गया था थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन जो स्टेट के उनको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है और आप लोग सेशन को नहीं लाइक कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली exactly एग्जाम में आएंगे वो लाने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है आजकल यही है कोई किसी का कदर नहीं करता है जब तक जब तक क्या कुछ गड़बड़ ना हो जाए है ना सो यू आर वेटिंग फॉर दैट गड़बड़ यू विल वेट यू यू आर विल वेस्ट योर वन ईयर देन यू विल लाइक द सेशन ओके देखो तो अगस्त 2021 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था वसलमाड़ी विलेज में ये लॉन्च किया गया था स्टेट कौन सा ये तुम बताना क्या ये तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है अब देखिए एक और न्यूज है और ये भी आजकल बहुत सारे एडिटोरियल्स में इस पे बात हो रही है बहुत सारे अगर आप थोड़े लिटरल इंसान हैं थोड़े पढ़ते लिखते रहते हैं तो बहुत सारे मैगजीन्स में इस पे बात हो रही है स्टोन हेंज स्टोन हेंज सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था स्टोन हेंज थोड़ा सोचना कि क्या मैम ये बोल के चली गई स्टोन हेंज क्या है तो 1620 में पहला एक्सकेवेशन द फर्स्ट नॉन एक्सकेवेशन एट स्टोन हेंज हुआ था स्टोन हेंज जगह का नाम है इन द सेंटर ऑफ द मॉन्यूमेंट वॉज अंडरटेक इन नाइनटीन इन सिक्सटीन ट्वेंटी बाई ड्यूक ऑफ बकिंगम प्रमोटेड बाई अ विजिट ऑफ बाई किंग जेम्स वन ये वही जेम्स वन है जो कि कौन कौन जेम्स वन 1600 में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया बना उसके बाद जब 1608 में विलियम हॉकिंस आए और फिर भारत में जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो आए तो ये जो थॉमस रो है इनको भेजा कौन था यही किंग जेम्स वन भेजे थे ठीक चलिए तो यही है अब देखिए एक और वो एक्सिस बैंक का फोटो दिखा के हम नहीं, अर्बन एडुकेटेड वुमेन का वर्क फोर्स में तो एक्सिस बैंक कह रहा है कि हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बिल्कुल होता है सबकी मम्मी काम करती है और लगता है उनसे ज्यादा पूरे घर में कोई काम नहीं करता होगा स्टिल है ना चले तो यहाँ पे ये हाउस वर्क इज हाउस इज वर्क लॉन्च किया गया ये इनिशिएटिव ये एक्सिस बैंक का है नेक्स्ट आप देख सकते हैं आर हमेशा न्यूज में रहता है तो आज जान लेते हैं कि आर न्यूज में है क्यों तो आर न्यूज में इसीलिए है क्योंकि आर ने एक्सटेंड किया अपना इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स अब ये क्या बात हो गई कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें इसीलिए आरबीआई एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो सूद का पैसा दिया जाता है उस स्कीम को यह बढ़ाने का बात कर रहा है फॉर द प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी लोन फॉर एमएसएमई ठीक है तो यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट देना शुरू करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाने का बात किया जा रहा है ना एक अच्छा अच्छा इनिशियेटिव है फिर एक आ, ये जो एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका इनिशिएटिव है कि मान लीजिए कि मेरा नाम है जेठा हम एक करोड़ रुपए का अभी क्या किए कि हम एक करोड़ रुपए का अपना पूरा बिजनेस मतलब कुछ एक्सपोर्ट कर दिए अब माल फंसा हुआ है कहीं जाने में कोई सामान फंस जाता है ना आप लोग सुने होंगे बिजनेस से कि हेलो हाँ माल फंसा हुआ है वहाँ वहाँ जाओ निकाल लो तो इस तरह से अगर कोई सामान फंसा हुआ है और मेरा एक करोड़ रुपए तो उसमें फंस गया जब तक वो जगह में सामान पहुंचेगा नहीं तब तक मेरे को एक करोड़ रुपया मिलेगा नहीं तो उसका नाइन्टी परसेंट तक का लोन यानी कि नब्बे लाख तक का लोन हम ले सकते हैं ताकि जैसे ही वो एक करोड़ रुपए मिले तो हम लोन चुका दे और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे बीच में तो इंटरेस्ट रेट बंद हो गया था इस इसपे सो दीज आर द गुड इनिशिएटिव जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पे एक बहुत सुंदर वुमेन का आपको दिख रहा है फोटो बिल्कुल कल हा स्टूडेंट की अदालत है आप जानते हैं टरडे छह बजे और गोपाल सर आ रहे हैं पता तो चल ही गया होगा जिसने भी प्रोमो नहीं देखा है देख लो यार यस सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं बांग्लादेशी रिजवान हसन टू गेट यूएस इंटरनेशनल ऑफ करेज एवॉर्ड तो ये इनका नाम है रिजवाना हसन और इनको यूएस इंटरनेशनल वेमेन ऑफ करेज का अवार्ड मिलेगा ठीक है सो दिस इज द न्यूज शी इज अमंग ट्वेल्व वेमेन और बारह लोगों को और मिल रहा है तो उसमें से एक ये है यानी ग्यारह को और मिल रहा है ये विमेन करेज अवार्ड क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल करेज एंड लीडरशिप दिखाया है इन डिफरेंट इन मेक अ डिफरेंस इन देयर कम्युनिटीज के लिए तो ये अवार्ड इनको मिलेगा बांग्लादेशी रिजवाना हसन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी पैरालंपिक कमेटी ठीक है अब ये क्या है आप जानते हैं जो भी दिव्यांग लोग हो रहे हैं जो कि हम लोग से ज्यादा टैलेंटेड हैं एक्चुअली तो वो उनके लिए ये कमिटी है अब ये क्या बात है कि इंटरनेशनल पैरा कमिटी ने भी रशियन लंपिक कमिटी के एथलीट्स को बैन कर दिया ये बहुत ज्यादा खतरनाक न्यूज हो गया ठीक है तो इसको बैन कर दिया गया है एंड नेशनल पैरालंपिक कमिटी एन जो कि बेलारूस में है इसको भी बोला है कि भाई हो गया तुम्हारा खेल खत्म ठीक है चले तो इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम ये इम्पोर्टेंट है ये कल के द हिंदू में भी है तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है कि ये जाके चेक करेंगे कि वहाँ पे इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं और जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में हम आपको एक छोटा सा स्टोरी बताएं कि मेरा नाम मुकेश है मेरे पास आधार कार्ड है हम जाके वोट दे दिए सेम आधार कार्ड रमेश के पास भी है वो भी जाके वोट दे दिया तो इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम है इनके पास आधार कार्ड का डेटा नहीं होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिसके कारण वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट तो यही बेसिकली न्यूज़ है कि यहाँ पे सारे पार्टिसिपेशन को देखा जाएगा उत्तराखंड मणिपुर देखिए ये क्वेश्चन आएगा ठीक है ये क्वेश्चन आएगा कि इस बार इलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है तो गोवा मणिपुर पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ये इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे ये लोग गए हैं और ये चेक करने के लिए कि ये जो डेलीगेशन चेक करेगा कि भाई सही से हो रहा है या फिर ज्यादा ही मजाक हो रहा है चले तो अब ये कुछ क्वेश्चन हैं रिविजन सो लेट स्टार्ट जम्प अप इन द क्वेश्चन वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है प्लीज थोड़ा जल्दी बताना क्योंकि अभी आज पढ़ाएंगे तो अभी बता दोगे लेकिन अभी एक सप्ताह पहले ही एक मार्च का क्वेश्चन है तो नहीं बताओगे तो एक मार्च का क्वेश्चन है कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए आप लोग ये सेलिब्रेट होता है तीन मार्च को नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दिवस कब सेलिब्रेट होता है थोड़ा सा चार्ट रेट भी बढ़ाना है ओके okay. हाँ ठीक है ठीक है आई एक्सप्लेन इट रजत वेट पहले ये टेस्ट हो जाए फिर करते हैं तो मेरी मम्मी एक वोट से आ रही थी वाह सही है मतलब की हार नहीं है इलेक्शन जीती है दैट आई एम सेइंग कि अच्छी बात चले, तो यहाँ पे देखिए ये भी थर्ड मार्च है नेक्स्ट आप देखें यशराज फिल्म में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है यशराज फिल्म्स में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है तो ये बनाया गया है किसको अक्षय विद्वानी को विदा विदानी को फिर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज वायु शक्ति एक्सरसाइज वायु शक्ति एयर फोर्स का हो रहा है हर तीन साल पे होता है अब आप बताएं कि ये कहाँ पे हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है जैसलमेर में हो रहा है ठीक है एक्सरसाइज वायु शक्ति नेक्स्ट भारत का रैंक जो है वो नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 फॉर बिलियन एयर्स पॉपुलेशन यहाँ पे आप बताएं कि भारत का रैंक क्या है कितने अमीरपति जो हैं अरबपति भारत में रहते हैं दो पांच तीन सात कितने अरबपति भारत में रहते हैं तो ये देखिए तीस तीसरे रैंक पे थर्ड ठीक है बहुत अमीर लोग हैं भारत में ठीक है अब ये बताएं कि बॉल्समैन बॉल्समैन ये मेडल जो है बॉल्समैन मेडल ये किसको मिला है फर्स्ट इंडियन टू बैग द बॉल्समैन मेडल बेसिकली ये फिजिक्स में मिलता है ठीक है बॉल्समैन तो ये मिला है दीपक धर जी को ये आप जानते हैं स्टैटिक्स फिज, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में काफ़ी काम किया है उन्होंने फिर आप बताएं नान मुध मुधलवन मुधलवन ये योजना शुरू की गई है ये कहाँ पे शुरू की, की गई है नान मतलब वो बटर चिकन वाला नान नहीं ये वहाँ पे लैंग्वेज है नान तो ये केरला है कर्नाटका है आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है ठीक तो यह है तमिलनाडु ठीक है नेक्स्ट आप देखें डिस्टर्ब्ड एरिया ये खुद ही बोल रहे हैं कि यार हम डिस्टर्ब्ड हैं छः महीने के लिए थोड़ा तो आप देख लीजिए ये जो है ये कौन सा जगह है जिसको डिस्टर्ब एरिया कहा जा रहा है ओके okay. सो so, ये जगह है कौन सा सही है असम है असम खुद को कह रहा है कि भाई अभी हम डिस्टर्ब है तो ये अफसपा लगेगा उस पर और क्या छह महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा फिर गोज टी ये गोस टी क्या है गोस टी सैटेलाइट है नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट बाय विच कंट्री कौन से कंट्री का है ये गोस टी ये है आपका यूएसए का नासा का ये यूएसए का या नासा का या फिर एलोन मस्क स्पेस एक्स का वो तुम सोच के बताओ स्पेस एक्स का है या नासा का है यूएस का ये तो आप समझ गए नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि मिट्टी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आप बताएं कि एप्स स्केल अकेडमी प्रोग्राम कि ऐप का जो लोग काम करना चाहते हैं ऐप बनाना चाहते हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कौन सा कंपनी है जो कि इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है और लोगों को समझा रहा है कि बेटा कैसे बनाना है स्टार्टअप तो ये है गूगल नेक्स्ट अब ये देखिए एक न्यूज है ठीक है ये न्यूज है इसको जान लीजिए पहले फिर हम लोग और चर्चा करते हैं तो न्यूज़ बेसिकली ये है क्योंकि ये सारा न्यूज हम कल पूछेंगे एयर मार्शल बी शेखर इनको बनाया गया है न्यू कमांडेंट ऑफ आई ए एफ ए तो ये एयरफोर्स के न्यू कमांडेंट बने हैं एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ट ऑफ अतिविष्ट सेवा मेडल ठीक है अतिविष्ट सेवा मेडल जो है इनको ये बन गए हैं क्या न्यू कमांडेंट ऑफ आई ए एफ ए इंडियन एयरफोर्स के ये न्यू कमांडेंट बन गए नेक्स्ट ये कौन है इनका नाम सुने हैं, कभी जानते हैं कभी कहीं फोटो देखे हैं न्यूज पेपर वगैरह कहीं पे भी तो बेसिकली फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ये हैं, जिनका नाम है रफीक तडार, तर, इनका निधन हो गया ठीक है ये पॉलिटिशियन थे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और इनका 92 इयर्स में निधन हो गया है जन्म इनका 1929 में हुआ था पीड़ कोट पाकिस्तान में ठीक है yes. यस चले तो अब देखें यहां पे टोने टैग टोन टैग ये क्या है टोन टैग टोन टैग जो है इन्वेंटिंग एक्सपीरियंस तो बेसिकली यहाँ पे क्या है टोन टैग ने लॉन्च किया है वाई से डिजिटल पेमेंट फॉर फीचर मोबाइल तो टोन टैग ने एन एस डी एल के साथ पार्टनरशिप करके जो एन एस डी एल पेमेंट बैंक है यहाँ पे बोला है वॉइस से आवाज से यहाँ इन्होंने यूपीआई पेमेंट सर्विस फीचर फोन के लिए शुरू किया है कल आप लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई ने यूपीआई वन टू थ्री पे शुरू किया है फीचर फोन के साथ टोन टैग जो है ये एक कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड कंपनी और ये बेंगलुरु कर्नाटका में है नेक्स्ट आप देख सकते हैं किडनी डे ये सभी मनाया जाता है गुर्दा दिवस किडनी दिवस है ना फेफड़ा दिवस दिल दिवस हार्ट दिवस ठीक है। ठीक है तो यहां पे आप देखें ये किडनी दिवस जो है ये क्या है ग्लोबली क्या बोल रहे हो तुम अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये किडनी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं टेंथ मार्च को सेलिब्रेट हुआ ये किडनी दिवस किडनी हेल्थ फॉर ऑल किडनी हेल्थ फॉर ऑल इज द स्कीम किडनी को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं ठीक है जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं दीज द दिंग्स चले फिर आप देख लें ये एक और न्यूज है यहां पे अभी एग्जाम नहीं हुआ है नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये स्टूडेंट मैं से पूछ रहा है सीएपीएफ पी एफ का कट ऑफ क्या है इसको कहते हैं ओपन प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल है ना कि कुछ भी जो मन है टीचर से पूछ लो कोई टेंशन नहीं मेरा जो मन करेगा हम पूछ लेंगे अभी तुम थोड़ी देर बाद पूछोगे मैम मेरी शादी कब होगी मेरी नौकरी कब लगेगी हम घूमने कहाँ जाएंगे हम तो यहाँ पे मतलब वो है ना टेलर मिनिस्ट्र, मिनिस्ट्र बी यादव ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ है नेशनल सेफ्टी अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस इन ईयर 2018 एंड नेशनल सेफ्टी अवार्ड माइंस को मिला है दो हजार कॉन्टेक्ट सत्रह अठारह उन्नीस बाई बीस में तो यहाँ पे ये अवार्ड मिला गया है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मिनिस्टर कौन दिए हैं बी यादव जी इनका नाम है इन्होंने ये क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट्री के लिए अवार्ड दिया है एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएं ताकि देख ले कि पूरे वीक में जो पढ़ाए हैं कुछ कुछ याद है या सभी साफ है ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सभी साफ है है ना तो बिल्कुल वही एस्ट्रोलॉजर टाइप तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये जो एनजीओ दिवस है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं क्या याद है कुछ बीच बीच में पूछ लेना चाहिए ना कि याद है कि नहीं अच्छा हम लड़कों से बालों के बारे में इसलिए पूछते हैं क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आता है और ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूँ क्योंकि मेरा तो एकदम सेट रहता है ज्यादा होने के बाद भी चले तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवेंथ फेबर वर्ल्ड एनजीओ दिवस मनाया जाता है फिर आप देखें नेशनल प्रोटीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है कब मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन कुछ याद व्याद है कि मतलब एक बार पढ़ा है, उसके बाद साफ है तो ये कब सेलिब्रेट होता है ये होता है आपका 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन दिवस नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये जो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये किस दिन सेलिब्रेट होता है गाईज? तुम लोग का ना वो है गजनी स्टाइल हो गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कि अभी याद है कुछ दिन बाद पूछोगे नहीं याद है एकदम क्लियर कट तो ये है आपका सत्ताईस फरवरी याद रखना यार प्लीज सत्ताईस फरवरी पोलियो दिवस फिर साइंस दिवस किस दिन मनाया जाता है नेशनल नेशनल साइंस दिवस विज्ञान जिसे बहुत लोग को पसंद नहीं है ये साइंस मतलब तो सही लगता है लेकिन साइंस भी और कुछ स्टूडेंट जो हैं कल क्यों नहीं सेशन होगा होगा नहीं ले बोलोगे तो नहीं लोग नहीं लेंगे ठीक है तो कुछ स्टूडेंट जो है उनको साइंस खासतर पर नहीं पसंद है तो साइंस जो है ये कब मनाया जाता है साइंस दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को याद रखिएगा पहले ना 28 फरवरी को ही वुमेंस डे मनाने का चर्चा था कि वुमेन्स डे हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं लेकिन फिर वो 8 मार्च को शिफ्ट हो गया तो ये थीम आप जानते हैं इस साल का इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि कुछ ऐसा करेंगे कि सब कोई उसमें इन्वॉल्व रहें अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर कल हमारा स्टेबल रहे सतत विकास हो यानी ऐसा नहीं कि अभी विकास हो और फिर गिर जाए ऐसा विकास हो कि विकास चलते रहे ठीक हाँ विकास तुम्हारा आंसर सही है तो अब आप बताएं कि रेयर डिजीज ऐसा दिवस जो कि ऐसा रोग जो कि बहुत दुर्लभ है ठीक तो ये जो डिजीज है ये क्या है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को 28 फरवरी को यह रेयर डिजीज मनाया जाता है जिसको नहीं याद है वो याद करते है. चलो सोलर प्लांट सोलर प्लांट भारत में कहाँ पे बना है भारत का पहला सोलर प्लांट कौन से रेलवे स्टेशन में बना है ये बताइए आप लोग तो ये बना है मध्य प्रदेश में बीना में नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन गंगा वॉज ये हम भारतीयों को वापस लाया जा रहा है अपने देश में कौन से देश से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है क्या ये यूक्रेन है यमन है रशिया है या अफगानिस्तान है ये है आपका ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में भारतीय हैं उनको वापस अपने देश लाने के लिए ये जो फ्लाइट मिशन है एयरलिफ्ट इससे लाया जा रहा है नेक्स्ट निर्देशक सदन निर्देशन सदन जो है ये म्यूजियम इनोग्रेट किया जा रहा है निर्देशन सदन ये कहां पे किया जा रहा है विजयवाड़ा अमरावती या फिर विशाखापट्टनम या कन्नूर तो बताएंगे विजयवाड़ा ये जो है आपका निर्देशन सदन ये कहाँ है तो ये आपका देख सकते हैं आप ये विशाखापट्टनम में ये म्यूजियम का इनोग्रेशन किया जा रहा है और आई एन विशाखापट्टनम जो है वो नया स्लीथ फोर स्लीथ गाइडेड एंड वो स्लीड गाइडेड अभी बनाया गया है ना क्या एंटी सब मेरे लिए मिसाइल है ठीक तो अब एम एस एम ई टेक्नोलॉजी सिंधु दुर्ग ये यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नारायण राणे इन्होंने सिंधु दुर्ग में एमएसएमई टेक्नोलॉजी शुरू किया है सिंधु दुर्ग कहाँ है ये है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में है सिंधु दुर्ग टी प्लस वन यानी कि जो ट्रेड है प्लस वन दिन दिया जाएगा पहले ये प्लस टू था तो ऐसा चाइना के बाद कौन सा देश है जिसने टी प्लस वन को, ये भी ये मान चुके हैं कि हम भी टी प्लस वन ही करेंगे तो ये हम ही लोग हैं, थीके? हम ही लोग जाएगा बिफोर दिस देर वो सेटलमेंट ऑफ टी प्लस टू ठीक स्टॉक का बाय और सेल के बाद एक दिन का और टाइम जो मिलता है अब यहां पे आप जानते हैं ये तमिल गवर्नमेंट ने अभी सोलर प्लांट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है इसको याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये अभी शुरू कर दिया है क्या वर्ल्ड हेल्थ ये नया न्यूज़ है ठीक है ये मैं समझना कि उसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए काम करना शुरू कर दिया है ये जामनगर गुजरात में ये कल पूछेंगे तुमसे याद रखिएगा ये इनका नाम तो आपको पता ही होगा हमसे तो ज़्यादा ही पता होगा तो बताइए क्या नाम है इनका हु इज़ ही बिल्कुल गाइज इनका नाम है एस श्रीशंत एस श्रीशंत ने हर एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट से अब क्विट कर दिया है छोड़ दिया है ठीक है तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितना भी ये खेलते थे इन्होंने छोड़ दिया काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहे श्रीशंत है ना तो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहे और अब इन्होंने हर एक क्रिकेट से अब ये रिटायर कर चुके हैं गाइज सो सॉरी आई हैव टोल्ड यू दिस आंसर तो वीजा फॉरेनर ये जो है ये मार्च दो कहा जा रहा है कि वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग यानी कि सब कुछ चेक किया जाएगा कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है अब आप ये बताएंगे इसका आंसर इसका क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क ये बना है आपका दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा जल्दी आंसर दो हम जितने देर में क्वेश्चन पढ़े आप आंसर दे सकते हैं एक हजार आठ बार नमन क्यों कर लो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है बस दिस इज द मोटिव तो एम एस एम ई नारायण राणे जो हैं ये टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए हैं कहाँ पे बनाए हैं अभी अभी पढ़े हैं। क्या ये वेस्ट बंगाल है कर्नाटका है तेलंगाना है या महाराष्ट्र है तो आंसर इज महाराष्ट्र ये सिंधु दुर्ग आप समझ ही गए फिर आप बताएंगे कि ये जो कौन सा कंट्री है जिसने कहा है कि इंडिया के साथ ये ज्वाइंट टास्क प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया बनाने की कोशिश कर रहा है ये है नेपाल नेपाल हम लोग के साथ ये बना रहा है फिर आप बता सकते हैं कि आई आई पी आई आई पी इंडेक्स ने कंप्लीट किया है यह आई आई पी क्या है तो हमारा रैंक क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है यहाँ पे हमारा रैंक है फोर्टी थर्ड बहुत खराब रैंक है क्योंकि बहुत कम ही कंट्री उसमें कंक्लूड किया गया है फिर आप बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा बैंक है जिसने आर शुरू किया है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी ये है आपका एच डी एफ सी बैंक ठीक है बिल्कुल फिर आप बताएंगे कि कौन सा बैंक है एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि एमएसएमई एनपीसीआई के साथ ये मिलकर एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड शुरू कर चुका है ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं तो स्टॉक ब्रोकर पहले यहां पे एक इंप्लीमेंटेशन था और मतलब से भी जो है वो कह रहा है कि हम डेडलाइन बना रहे हैं लेकिन अब उस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है पहले ये अट्ठाईस फरवरी तक था अब ये दो मई तक हो गया है नेक्स्ट ब्रिक वर्क रेटिंग में भारत का जीडीपी कितना होगा तो ये सब हम लोग एग्जाम के पहले एक दिन पहले डिस्कस कर लेंगे कि हमारा जीडीपी में रेटिंग कितना होगा अभी 8.3 है ब्रिक वर्क कह रहा है भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन uh, का बहुत बड़ा स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिया और ये वोडाफोन जो है ये वोडाफोन इसको वोडाफोन आइडिया ग्रुप में इन्वेस्ट करेगा तो भारतीय एयरटेल ने कितना परसेंट का स्टेक लिया है फोर पॉइंट सेवन परसेंट का स्टेक लिया है सो आई थिंक आई एल इसको एक और सेट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे आई एल कंक्लूड इट हेयर ओनली एंड बेसिकली वन वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू देखिए इतने क्वेश्चन थे बट योर स्पीड इज सो गुड दैट आई थिंक आई एम गेटिंग गुड सो वॉट आई एम गोइंग टू कंक्लूड विथ इज दिस सो बेसिकली आपको अगर सी आई एस एफ में पढ़ना है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं एफ कैट के इतने अच्छे सक्सेस के बाद कह रहे हैं कि सी आई एस एफ में पढ़ना है तो आपको अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा ये ऐप इंस्टॉलेशन के बाद आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है स्टोर के सेक्शन में जाने के बाद आपको सी आई एस एफ सर्च करना है डिफेंस के कॉलम में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोड यूज करना है वाई थ्री थ्री टू वाई एक सेकंड वाई 332 कोड यूज करना है और आप CISF में इनरोल हो सकते हैं जो स्टूडेंट 10 अप्रैल के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है उनके लिए दिस इज द वन पॉइंट सॉल्यूशन तो 10 अप्रैल के लिए यानी जो आपका CDES का एग्जाम है आप यहाँ इनरोल हो जाएं सिमिलरली हमारे पास NDA का भी बैच है और जो स्टूडेंट जिनका AFCAT का रिजल्ट निकल रहा है और निकल गया है और वो मिस कर रहे हैं अपना कि उनको एस एस बी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है एफ एस बी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है तो दिस इज द वन पॉइंट सोल्यूशन आप कर्नल सर के कॉन्टैक्ट में रहें और यही बता सकते हैं कि हर एक स्टेप साइकोलॉजी या हर एक जितना स्टेप है उसमें आप कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ये सर ही बता सकते हैं वाई तीन सौ बत्तीस कोड पर आप इनरोल हो जाएंगे अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह मिल जाए कि मैम मैंने अभी एफ कैट कर लिया है क्योंकि मेरा एफ कैट जो है वो आप जानते हैं अप्रैल से अक्टूबर के बीच में तो ये जो है अक्टूबर में है तो मैं उस समय सीडीएस का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो दिस इज द दोल्यूशन फिर उस बीच में मुझे सी आई एस एफ भी देना है या आने वाला सीए पी एफ भी देना है यानी आपको सारे बैचेस चाहिए और कम रेट में ठीक है तो ये है आपका डिफेंस का महापैक इसमें आपका ये जो आप पूछ रहे हैं ना एनडीए तो NDA भी हो जाएगा ठीक है और गाइज uh, देखिए एक बात हम जो ब्रूटल ट्रुथ बोलेंगे वो ये है कि आप लोग बोलते हैं है, मैम हिंदी मीडियम तो अगर आप डिफेंस में हिंदी मीडियम में पढ़ के बहुत ज्यादा ज्ञाता भी बन गए है ना बुद्धिमान बन गए लेकिन तो भी कोई uh, उसका सोल्यूशन ये तो सोल्यूशन है नहीं क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश ही इम्प्रूव करके जाना है इंग्लिश इज द लैंग्वेज राइट और गाइज uh, इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट बीटेक है और उनको टेक्निकल का एग्जाम देना है टेक्निकल में अभी वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप जेई और ए का प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ इंजीनियर अड्डा के साथ और यहाँ पे ये बैचेस हैं आप जिस भी एग्जाम को देना चाहते हैं आप यहाँ एनरोल हो जाएं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगर आपका बैक टू बैक एग्जाम है यानी कि एक एग्जाम के बाद फिर से दूसरा एग्जाम है तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे सारे एग्जाम एक ही जगह आ जाए तो ये है महापैक जहाँ पे आपको कोड यूज करना है वाई तीन सौ बत्तीस और यहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं मैं किस बैचेस में हूँ तो अभी ये एच एल का फ्लाई बैच चल रहा है जिसका कल जोग्राफी कम्प्लीट हो जाएगा फिर पॉलिटी होगा और आई आई एस सी का बैच चल रहा है तो इन दो बैचेज में मैट टेक्निकल स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड मी हेयर सो दिस वॉज द क्लास गाइज और थोड़ा आप लोग अपना स्पीड बढ़ाएं आई विल टेल यू कि आप थोड़ा रिवाइज करें बिकॉज वेन एवर आई आस्क यू पुराना क्वेश्चन सो दिस ओनली आई एम नोटिसिंग चार से पाँच दिन पुराना क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप लोग भूल जाते हैं So keep on revising, keep on practicing. Very good, and all the very best. Thank you.